दोस्तों अब आप हमें अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के 38 क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, ALP टेक्नीशियन और RPF के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारा रहने वाला है जनरल साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग टोटल 38 क्वेश्चन करेंगे, जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 146। तो ये यू क्या होता है? तो यू जो होता है ये हमारा होता है यूरेनियम, ओके। और इसमें जो यू में नीचे दिया हुआ है 92, ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक, और जो 238 होता है ये होता है हमारा परमाणु भार, ओके। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एन की पूछी जा रही, तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन सी, 146। अगला है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अल्ट्रावायलेट किरण है, या रेज कह सकते हैं, पराबैंगनी किरण है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, CV देसाई ने। नेक्स्ट है, साबुन के साथ तत्परता से झागना बनाने वाला जल कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर जल। अगला है, निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा, किस अमल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2। अगला है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका फार्मूला क्या होता है? KMnO4, ओके। नेक्स्ट है, हवा का जो बाष्प घनत्व होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14.4। 11वां हमारा क्वेश्चन है, पानी और चाक, चाक मतलब क्या होता है? खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, अपसादन द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइका क्या है? तो माइका क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत का कुचालक, मतलब वह पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होता है तो माइका कहलाता है, ओके। 13वां है हमारा, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 212। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी C6H12O6। ओके, नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है वो होता है हमारा ट्रिगर। नेक्स्ट है बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो कैसे होते हैं, ऑप्शन बी सीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ऑप्शन ए कैरामल का। अगला क्वेश्चन है 20वां आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो किस पर आधारित है, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक पर। अगला 21वां है NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपमार्जक है, तो अपमार्जक क्या है, ऑप्शन डी शोधक अभिकर्ता। नेक्स्ट है RDX का पूर्ण रूप क्या है, तो RDX का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन सी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, मतलब एलम मिलाई जाती है, क्यों मिलाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। अगला है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पोलर ने। अगला है मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा DDT का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। अगला है 29वां गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल का। अगला है 30वां पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो किससे किया जाता है, तो ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 31वां रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या करता है, अल्फा कण भी करता है, बीटा कण भी करता है और गामा कण भी करता है, मतलब ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइटियम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ऑप्शन है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। अगला है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपकरण। अगला है pH मान का निर्धारण किसने किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सोरेनसन ने। तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आइसोप्रोपीन। अगला क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, ऑप्शन ए तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइएगा
कि नायलॉन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अगले हम लोग फिर मिलेंगे मॉक टेस्ट 3 में, जिसमें हम लोग साइंस के और क्वेश्चन करेंगे।